व्हाट्सअप गाइस, नेक्स्ट माइंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनंजय सूर्यवंशी। दोस्तों, आज हम भारत के कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में जानना हम भारतवासियों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मानव कैलकुलेटर का दर्जा भारत की ही एक महिला शकुंतला देवी को दिया गया है। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो 13 डिजिट की संख्या को 28 सेकंड में हल कर सकती है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं। इन्होंने न केवल हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगीत अमर सुदान बांग्ला भी लिखा। दोस्तों, एक बार ब्रिटिश सरकार ने इन्हें शूरवीर की उपाधि देना चाहा, लेकिन जलियांवाला हत्याकांड होने के बाद इन्होंने उस उपाधि को लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, हमारे भारत देश में एक ऐसा परिवार भी रहता है जिसमें एक आदमी की 39 बीवियां हैं और उन 39 बीवियों से उनके 94 बच्चे भी हैं और ये सब एक साथ एक जगह पर ही रहते हैं। दोस्तों, अब आपको एक मजेदार जानकारी देते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कुल जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या हमारे भारत देश में एक दिन में ट्रेनों में सफर करती है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल करीब 7,000 स्टेशन हैं और भारत की लगभग 12,000 गाड़ियों में एक दिन में 23,00,000 लोग सफर करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसे चाय के बारे में जरूर पूछते हैं, क्योंकि चाय हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पेय माना जाता है। दोस्तों, बंगाल टाइगर हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। 2010 में इनकी कुल संख्या 1800 के आसपास थी, लेकिन फिर सरकार ने इनके संरक्षण पर ध्यान दिया और इसके बाद 2018 में हुए जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 1800 से बढ़कर 3000 हो गई है। दोस्तों, हमारा भारत देश विश्व का दूसरा ऐसा देश है जिसकी सबसे बड़ी सैनिक फौज है और एक भारतीय होने के नाते हमें इस पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कैसा गेम है जो हमारे दादा परदादाओं से लेकर अभी तक एक पसंदीदा गेम बना हुआ है, जिसका आविष्कार 6वीं शताब्दी में भारत में ही हुआ था। दोस्तों, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इतने ज्यादा मुस्लिम देश होने के बावजूद हमारे भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं? यहां लगभग 3,00,000 के करीब मस्जिदें हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद हमारा भारत तीसरे स्थान पर है जिसके नाम सबसे ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है? दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे भारत के महानगर मुंबई और दिल्ली से भी ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट लंदन में है? दोस्तों, ध्यानचंद जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ये भारत के हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। एक बार 1936 के ओलंपिक में जब भारत और जर्मनी आमने सामने थे, तब भारत ने उस मैच में जर्मनी को 8-1 से पराजित किया था और भारत की तरफ से सारे गोल ध्यानचंद जी ने ही लगाए थे। तब हिटलर ने ध्यानचंद जी को बुलाया और उन्हें एक प्रस्ताव देते हुए कहा कि यदि आप जर्मनी की तरफ से खेलेंगे तो हम आपको जर्मनी की नागरिकता देंगे। तब ध्यानचंद जी ने उस प्रस्ताव को फौरन ठुकराते हुए कहा कि मैं अपने भारत से बहुत प्यार करता हूं और मैं हमेशा भारत की ही तरफ से खेलूंगा। दोस्तों, राकेश शर्मा जी ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला था। जब ये अंतरिक्ष से वापस लौटकर भारत लौट कर आए,
तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है, तो इन्होंने गर्व के साथ कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, हैवेल्स ब्रांड का नाम तो हम सभी ने सुना ही होगा। ये भारत की एक इलेक्ट्रिक गुड्स कंपनी है जिसे बहुत समय पहले 10 लाख रुपए में खरीदा गया था, लेकिन आज ये कंपनी करोड़ों अरबों में कमाती है और इस कंपनी का नाम इसके मालिक के ही नाम पर रखा गया है, जिनका नाम है हैवेली राम गुप्ता। दोस्तों, सांप सीढ़ी का गेम तो हमने कभी ना कभी खेला ही होगा। ये एक बहुत ही मजेदार गेम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप सीढ़ी गेम का आविष्कार भारत में ही हुआ था। पहले से मोक्ष पटांग के नाम से जाना जाता था, जिसका उद्देश्य बच्चों में कर्मा का ज्ञान कराना था। लेकिन आज ये गेम व्यवसायिक तौर पर ठल गया है, जिसे बड़े पैमाने पर अधिकतर लोगों द्वारा खेला जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर जुड़े रहिए हमारे साथ।